जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुर हर, त्रिगुणातीत महेश। कौशलेश मिथिलेश्वरी संसार को सिया राम में समझने वाले भक्तों, सीता स्वयंवर का श्रृंगार रस से ओतप्रोत यह पावन आख्यान मैं आप तक राठौर कैसेट के सौजन्य से पहुंचा रही हूं। तो पेश है जनक नंदिनी सीता स्वयंवर। मानस प्रेमियों, 430 वर्ष पुरानी बात है कि हमारे महान कवि तुलसीदास ने जो सीता स्वयंवर में लिखा है और वाल्मीकि रामायण से भी जो प्रमाण मिला है उसके आधार पर सीता जी ने 5 साल 5 महीना और 7 दिन की उम्र में और यूं ही खेल खेल में वह बरसों पुराना भगवान भोलेनाथ का धनुष उठा लिया, जो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना था। यह धनवा इतना भारी था कि उठाना तो दूर रहा, इसे कोई हिला तक न सकता था। खेल खेल में सीता ने का धनुष उठाया है, अपने बल पौरुष का प्रताप बचपन में कर दर्शाया है, अपने बल पौरुष मिथिलापत ने जब यह जाना तो वे अपने दरबार में आकर खुशी से ऐलान करने लगे कि सीता ने धनुष उठाया है, सीता ने धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा बस वही वीर जमाता बन सीता से नाता जोड़ेगा, बस वही वीर। करने के बाद राजा जनक इधर तो स्वयंवर की तैयारियां करने लगे और उधर देश विदेशों में पत्र भेज दिए और साफ शब्दों में लिख दिया कि दावत का निमंत्रण नहीं, यहाँ तो वल पौरुष की जात का उत्सव है। और बस एक ही बात सब जगह लिखकर भेजी, बात क्या थी कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, राजा जनक ने ये कहा उसी वीर को निर्विवाद
सभी राजा महाराजा राजा जनक के यहाँ आने लगे। इधर विश्वामित्र को भी यह सूचना मिली तो वे श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। कैसे जा रहे हैं भक्तों? मुन ने पाई है खबरिया लेके चले हैं लक्ष्मण राम। यानी दूसरे दिन ही विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए निर्जन वन एक पायो। जा रहे थे विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण, लेकिन ऐसे घने जंगल से होकर जा रहे थे जहाँ पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। तो ध्यान दे भक्तों, चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए निर्जन वन एक पायो। और पशु पक्षी कोई दिखे नहीं, पशु पक्षी कोई दिखे नहीं, नहीं शब्द सुनायो चौदिस डारी है न। के साथ राम लक्ष्मण एक निर्जन वन से होकर जब जा रहे थे तो अकस्मात एक पत्थर की शिला पर नजर पड़ी जो स्त्री की शक्ल की थी। उसे देखकर श्री राम ने गुरुजी को पूछा कि गुरुदेव यह मैं क्या देख रहा हूं? तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि श्री राम सुनो, रघुनंदन की बात सुने बिहसे विश्वामित्र, गौतम ऋषि की नार का कहने लगे चरित्र। सुनो राघव, यह गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। तो इतनी बात सुनकर श्री राम ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब आप हमें इनके बारे में विस्तार से समझाओ कि आखिर ये पत्थर क्यों बन गई। तो गुरुदेव कहने लगे कि सुनो राम, एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि बन जाती घर बारी अहिल्या प्यारी, बन जाती घर बारी
लगा इंद्र। अरे सोमा है आनंग अंग, इंद्र गयो लुभी आई, और सुंदर ऐसी नारी रति रंबहु की शरुमाई। अरे सोमा है आनंग अंग, इंद्र गयो लुभी आई, सुंदर ऐसी नारी रति रंबहु की शरुमाई। देखकर इंद्र काम के वशीभूत हो गया और अपना काम बनाने के लिए चंद्रमा के पास गया, सारी बात बताई और बोला, सुनो, तुम मुर्गा बन करके। चंद्रमा, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। तुम मुर्गा बन करके गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना। मुर्गा बनकर बांग लगा देना और गौतम समझेंगे कि सुबह हो गया, तो वो स्नान करने के लिए गंगा जी पर चले जाएंगे और इधर हमारा काम हो जाएगा। क्या कहने लगा इंद्र ब्रजेश भैया जी, स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे, स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे, चंद्रमा जी स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे, घर में जा करके हम फिर छल कर आएंगे। ये काम शीघ्र निपटा तुम अपने घर जाना, मैं घर घुस जाऊंगा जी। श्री राम को समझाते हैं कि हे राघव, उस इंद्र ने चंद्रमा को साथ लेकर और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर वही काम किया, अर्थात आधी रात के समय चंद्रमा ने मुर्गा बनकर कैसा गजब किया। सूती भैया जी, गजब कर डारो वा मुर्गा, गजब कर डारो वा मुर्गा ने, कैसे
बांग लगाई तो उसी समय गौतम ऋषि ने अपने आगे खोली। आधी रात में बांग जाने बोली, ऋषि पर ने तब अखियां खोली, हुई गो भुरारो, मां मुर्गा ने गजब कर डारो, मां मुर्गा ने। अरे हुई गो भुरारो, मां मुर्गा ने गजब कर डारो, मां मुर्गा ने। हे राघव, सवेरा समझकर गौतम ऋषि तो गंगा स्नान करने चले गए। इधर इंद्र ने मौका पाकर गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या के साथ छल किया और गौतम ऋषि को स्नान करते समय ही यह भेद गंगा जी के द्वारा मालूम हो गया। उन्होंने आकर अहिल्या को शाप दे दिया, तभी से यह बेचारी यहाँ पत्थर बनी पड़ी है। अब तुम इसका उद्धार करो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने जैसे ही अपना पैर शिला से लगाया, वैसे ही भक्तों क्या हुआ, छुआ चरण से शिला को राघव नीतिका, पतपुरी गई सिधारी, गुरु जी आगे बढ़े। करके वे तीनों जनकपुर की ओर चल दिए। कैसे जा रहे हैं तूफानी भैया जी? चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई, पहुंचे
का पूर्ण सम्मान किया और राम लक्ष्मण का भी पूरा परिचय बता दिया। अब तो राजा जनक ने अपने भाग्य की सराहना की। इधर राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर जनकपुर की शोभा देखने निकल पड़े। देखकर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। कोई कोई कहती है कि मैंने तो यह सुना है लगी कि ये राजकुमार कितने सुंदर हैं। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। यह श्याम शरीर वाले राजकुमार तो सीता की योग्य हैं। इनकी और सीता की जोड़ी कितनी सुंदर रहेगी। दूसरी बहन कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस प्रकार जनकपुरी की शोभा तो राम लक्ष्मण देख रहे हैं। इधर पूरी नगरी में राम लक्ष्मण के आने की सूचना मिल गई तो आज जनकपुरी की हालत क्या है। सुंदरियां अटारी और झरोखों से देख देख नेक ना आघाती, नैन पलक ना चलाती हैं। जिस ओर जाते श्री राम लखन दोनों भ्रात, और भीड़ों पर भीड़े टूट गलियों में आती हैं। अब लाए छोड़ छोड़ यारे ललनाओं को, और देख श्याम गौर रूप ने कना आघाती है। मास्टर खेतपाल सिंह शोभा हू कही ना जाए, और संगीता शीश श्री राम को झुकाती है। नगरी की शोभा देखते हुए राम लक्ष्मण जब आगे बढ़े तो कुछ नर नारियों ने उन्हें देख नहीं पाया।
तो सब घर से निकल कर उन्हें देखने के लिए भागे और क्या कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं भाग के आई हूँ। ये कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो ना, कहने लगी एक बहन, अगर ये हमारे जनकपुर में ठहरे तो हम इनके रोज दर्शन करें। एक कहने लगी बहन, वैसे यहाँ पर सीता स्वयंवर है, अगर ये धनवा भगवान श्री राम तोड़े और सीता अगर इनके जयमाला डाले तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसी ही सखियां अपने आपस में बात कर रही हैं, तो एक बोली, बारी उमरिया है प्यारी नजरिया, देखी न पाई थी बंदे की बरिया। जनकपुरी की शोभा देखते हुए वह सभी जनकपुर वालों के चित्त चुराकर वे दोनों भाई वापस गुरुजी के पास लौट आए। रात्रि व्यतीत होने के बाद सुबह होते ही गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम पूजा के लिए फूल लेने पुष्प वाटिका में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जब फूल लेने के लिए चले गए और वहां की जब शोभा देखी है तो कैसी शोभा थी, बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। और उस फूल बाग की शोभा कैसी थी सुने चाचा जी, फल फूल खिले सुचि ब्यारी चले अब आवे मस्त बहारी रे, इत कूक रही है कोयलिया।
देखते राम और लक्ष्मण आघाते नहीं है। हुआ क्या कि देव योग से सीता जी भी गिरजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ उसी बाग में आई। आई आई सखिन के साथ गिरजा पूजन को सीता आई। सखिन के साथ गिरजा पूजन को साथ में सीता जी फूल बाग में फूल चुनने लगी। लेकिन भक्तों एक सहेली आगे बढ़ गई। उसने जब श्री राम को देखा तो हाय हाय गजब हो गया। आली पलक सखी ना डारी देखकर वह सहेली भागती हुई सीता जी के पास आकर बोली, सीता जी जिनकी गुण रूप और सुंदरता की प्रशंसा हम करते थे, आज वही श्री राम अपनी बगिया में आए हुए हैं। सुनो बहन, फूल बगिया में राम जो आए गए हैं, चलो देख आई है। वह सहेली सीता जी को राम के पास लेकर आई। जिस समय सीता ने राम को और राम ने सीता को देखा तो वहां का दृश्य कैसा है। सूरज कुल का सूरज निहार, द्रग दोनों सूरज मुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। का सूरज निहार।
लगाए वे एक दूसरे को निहारते हैं, मगर दिल की बात कोई किसी से नहीं कह रहा है। सीता बोले, सीता बोले, न राम प्यारे दोनों ठाड़े। सीता बोले, न राम प्यारे दोनों ठाड़े। देखते हुए थक नहीं रहे हैं। इधर सहेलियां गिरजा पूजन के लिए चली, मगर सीता जी को तो शरीर का भी ध्यान न रहा। किस तरह से सोधी नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। इस प्रकार सीता ने राम को और राम ने सीता को अपने अपने दिल में बसा लिया। उधर सहेलियां सीता जी की विरह व्यथा से परेशान होने लगी। सहेलियां तो आगे आगे चली जा रही हैं, लेकिन सीता जी बिना मन के पीछे से धीरे धीरे चलने लगी। मंदिर में पहुंचकर गिरजा पूजन करके सीता जी ने माँ जगदम्बा से वरदान मांगा, तो माँ भवानी ने सीते को दिल के अंदर ही एवं अस्तु कहकर इच्छा पूर्ण होने का भी वचन दिया और नारद की वाणी सत्य होने की भी बात कही। वरदान प्राप्त कर सीता जी सहेलियों के साथ महलों के लिए चली। किस तरह से जा रही हैं सुजीत भैया? चली सीता महल की ओर, राम जग के मनवा बसिए। चली सीता महल की ओर, राम जग के मनवा बसिए। देवता को बसा कर सीता जी महलों में पहुंची। इधर श्री राम लक्ष्मण के साथ गुरु पूजा के लिए फूल लेकर लौटे। नित्य क्रियाएं पूरी हुई। इधर तब तक स्वयंवर की तैयारी हो चुकी थी। राजा जनक ने सतानंद को भेजकर विश्वामित्र को बुलाया। रंग भूमि की शोभा बड़ी विचित्र थी। गुरु जी के साथ जब राम लक्ष्मण वहाँ आए तो सभी नर नारी उन्हें देखने के लिए उमड़ने लगे। कैसे
थी श्री राम उन्हें वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। इधर तब तक सीता जी की सहेलियां भी सीता जी को साथ लेकर रंग भूमि में आई। रंग भूमि जब सिया पगुधारी देखे रूप मोहे नर नारी। अर्थात सीता जी के पैर रखते ही उन्हें देखकर सभी नर नारी मोहित हो गए। जबकि एक जगह तुलसीदास ने ये लिखा है कि मोहे नर नारी नारी के रूपा बनगारी यह चरित अनुपा। अर्थात नारी दूसरी नारी को देखकर कभी मोहित नहीं होती। अब यह शंका न करें कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी यानी सीता और पगुधारी अर्थात राम राम को जब रंग भूमि में देखा तो देखे रूप मोहे नर नारी अर्थात सीता को देखकर पुरुष और पगुधारी यानी श्री राम को देखकर कामनिया मोहित हो गई। अब आइए कथा की ओर कि एक ओर सीता जी वरमाला लिए खड़ी हैं और इधर बड़े बड़े शूरवीर धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गजब हो गया। अरे धनुष उठाना तो दूर रहा, कोई भी योद्धा उसे हिला भी न सका। यह देखकर मिथिला पति बेचैन होकर ललकाने लगे, हे दीप दीप के राजागढ़ हम किसे कहीं बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आगे बोले राजा जनक, अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा, क्या अब हमारी हमारी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। जब ये शब्द वहां बैठे हुए लोगों ने सुने तो सबके से नीचे झुक गए, लेकिन सूर्यवंशी शेषव कई लक्ष्मण चुप कैसे रह सकते थे। वे बोले, क्या कहते हो जनक, क्या पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा? ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण बोले, अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश गुरु का पाऊं मैं तो धनवा की तो चली कहा सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं ओ राजा। राजन ये कहते आपको शोभा नहीं देता, मैं सत्य बयान करता हूँ कि
तो धनवा की तो बात क्या, मैं इस पृथ्वी को ही गेंद की तरह उछाल दूंगा। लक्ष्मण का क्रोध देखकर वहां सभी राजा महाराजा उनकी ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। इधर विश्वामित्र जी ने उन्हें शांत किया और श्री राम को धनुष उठाने का संकेत किया। भक्तों, गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष तोड़ने चले। कैसे जा रहे हैं पापा जी? जिस समय उठाया धनवा को, बिजली सी तड़प उठी छड़ में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम बदली। रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। धनुष के टूटते ही चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगा। सीता जी वरमाला लिए खड़ी थी और इधर माता पिता ने भी आज्ञा दे दी थी, लेकिन भक्तों एक बात थी कि भगवान श्री राम सीता से बड़े थे और सीता जी छोटी थी। अब सहेलियां कहने लगी भगवान श्री राम से, झुकी जइयो तनिक रघुवीर सिया, जब बात कही तो श्री राम सोचने लगे चलो झुके जाते, झुकने में कछु परेशानी ना है। और जैसे ही झुकवे के लिए भये तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया अब ही झुके झुकन लगे फिर तो तुम्हें सब जिंदगी झुकनो पड़े। श्री राम कहने लगे, बात तो ठीक है, बहुत देर हो गई, इधर सुनैना भी जब थक गई। तो लक्ष्मण ने सोचा चलो बहुत देर हो गई है। लक्ष्मण ने कहा, देखो ऐसा है, अगर तुम हमसे कहो तो हम अभिहाली माला डलवा दिए। सखिया बोली, सो कैसे? देखो, तो लक्ष्मण ही जैसे ही श्री राम के पैर छुअन लगे, ये भगवान श्री राम ने कहा करो कि लक्ष्मण को आशीर्वाद दो, हाथ जैसे ही रखो तो झुके। और जैसे ही झुके और तैसे ही ये सीता को मौका मिलियो, तो सीता ने जय माला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। इधर सीता जी वापस महल में चली गई, इधर अयोध्या के लिए सूचना भेजी गई। दशरथ बारात लेकर जनकपुरी में आए। प्रमाण के अनुसार 29 दिन तक जनकपुरी में ये बारात ठहरी। अब अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को राम का विवाह हुआ। राम का ही नहीं भक्तों, साथ ही साथ लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति से विवाह हुआ। अर्थात चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ।
35 दिन तक विवाह के बाद बारात और रुकी। पूस शुक्ल दशमी को बारात जब लौटने वाली थी तो नवमी के दिन दावत के समय सखियों ने बारात को गालियां सुनाई। ये श्री राम ने लक्ष्मण से कही, देखो लक्ष्मण, ये सखियां तुम्हें कितनी गाली देती रहे लेकिन तुम कुछ कहियो मती। लक्ष्मण ने कही, ठीक है भैया, अगर तुम कह रहे हो तो नहीं कहे, वैसे हमारो मन तो नहीं मान, तो बस अगर तुम्हारी आ गया तो ठीक है, हम चुपचाप बैठे रहे। आठ सखियां गालियां देने लगी और कैसे गालियां दे रही हैं, समधिनिया चंचल नार लला तो जग के खीर ते जने, समधिनिया चंचल नार लला तो जग के खीर ते जने। एक सखी कान लगी, बहना इतनी धीरे धीरे गा रही हूं तब तो तुम्हारी आवाज होना याद कान ली हम गात तो वो तुम तो बैठी हमारे संगे गवा ना ले गान लगी कैसे समधिनिया चंचल नारी लला तो जग के खीर ते भाई। गाली दे रही, ये बारात तो भोजन करिए रही थी, तो लक्ष्मण ने कही, भैया देखो ये गाली हमें दे रही, हमें अब चुप तो ना बैठो जा रो, कछ कह ले। राम बोले, ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कह लो। तो लक्ष्मण बोले, एक चंबो देखो भारी फोर घड़ा निकली सुकुमारी, बहुत अच्छी कही। लक्ष्मण ने कही, हाँ भैया, फिर से कहन लगे, एक चंबो देखो भारी फोर घड़ान करी सुकुमारी, नाम पड़ोसी ता सुकुमारी, भाई जनक की राज दुलारी, ए ए ए सब सुखी भाई। बड़े आनंद मंगल के साथ बारात की विदा पूस शुक्ल पक्ष दशमी को हुई। सीता राम को भयो है ब्याह, खुशी सब नर